बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीम बेग फ्रॉम डीपीएससी अगेन हियर विद यू ऑल। बीएस कंप्यूटर साइंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम रेप्लिकेशन कंट्रोल स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेप्लिकेशन कंट्रोल। रेप्लिकेशन इज द टेक्निक यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस टू स्टोर मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डेटा टेबल एट डिफरेंट साइट्स। द प्रॉब्लम विद हैविंग मल्टीपल कॉपीज इन द मल्टीपल साइट्स is the overhead of maintaining data consistency, particularly during update operations. In order to maintain mutually consistent data in all sites, replication control techniques needs to be adopted. There are two approaches for replication control, namely synchronous replication control and asynchronous replication कंट्रोल। अब देखें, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हमारे पास डिफरेंट साइट्स होती हैं जिन पे हम डेटाबेस को फ्रेगमेंट्स में या पार्ट्स में जो सब वो स्टोर करते हैं, और किसी एक साइट पे जो तब्दीली होती है, जो चेंज होती है डेटाबेस में, वो फिर मल्टीपल साइट्स पे उस चेंज को हमें जो सा वो शो करवाना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, और इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन कंट्रोल जो सा है, ये बहुत जरूरी है ताकि डिफरेंट साइट्स पे डेटाबेस की जो कॉपीज पड़ी हैं वो एक जैसी हों, हर एक में सेम डेटा जो सा वो मौजूद हो, कहीं पे डेटा कंसिस्टेंसी ना हो। डेटा कंसिस्टेंसी स्पेशली उस वक्त आती है, कंसिस्टेंसी मीन डेटा के साथ जो प्रॉब्लम उस वक्त आएगी, डेटा दो तरह का हो जाएगा, यानी एक साइड पे आपका डेटा कुछ और पड़ा है, एक साइड पे डेटा कुछ और पड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मिसाल दूं तो सपोज यूरोप में जो डेटा पड़ा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें किसी एक प्रोडक्ट की कीमत मिसाल के तौर पर $10 है, और अमेरिका में जो डेटाबेस है वहां पे रेट अपडेट हुआ और वो $12 हो गया, 10 से $12। अब अमेरिका की जो डेटाबेस है, जो उसका चंक है या फ्रेगमेंटेड पार्ट है, उसमें रेट $12 है, लेकिन जो यूरोप में है वहां पे $10 है। तो इसको अब रेप्लिकेट आपने करना है, आपने उस अपडेट ऑपरेशन को सिंक करना है यूरोप के साथ, ताकि यूरोप में जो डेटाबेस है उसमें भी सेम डेटा जो सा वो मौजूद हो। तो हमारे पास दो रेप्लिकेशन अप्रोचेस हैं, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल अप्रोच और एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल अप्रोच। तो इनको हम स्टडी करते हैं। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल में क्या होता है? इन सिंक्रोनस रेप्लिकेशन अप्रोच, the database is synchronized so that all the replications always have the same value. यानी synchronous replication approach में यह होता है कि जैसे ही किसी जगह पे record update होता है या insert होता है या delete होता है, तो across the sites, यानी हर location पे उस record को update कर दिया जाता है, ताकि हर जगह पे सेम डेटा जो सा वो नजर आए। ए ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टिंग डेटा आइटम विल हैव एक्सेस टू द सेम वैल्यू इन ऑल द साइट्स। और आप किसी भी साइट से अगर वो डेटा कॉल करेंगे तो आपको सेम डेटा मिलेगा, क्योंकि आपने उसको सिंक कर दिया। ये वही सिंक फंक्शन है जो आप मोबाइल फोन में भी यूज करते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स को गूगल क्लाउड के साथ सिंक करने के लिए। टू इंश्योर दिस uniformity, a transaction that update a data item is expanded
so that it makes the update in all the copies of the data item. तो अब यहाँ देखें जो ट्रांजेक्शन अपडेट प्रोसीजर आपने रन करना है, अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम होता तो उसमें सिर्फ एक सिस्टम पे आपको वो रन करना पड़ना था, लेकिन यहाँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपको उस अपडेट जो प्रोसीजर है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, मल्टीपल साइट्स पे आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा. जनरली टू फेजेस कमिट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द पर्पस, और इसके लिए टू फेज कमिट प्रोटोकॉल यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ डेटा टेबल प्रोजेक्ट, फर्ज करें एक टेबल है प्रोजेक्ट नाम का और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन. वी नीड टू रन अ ट्रांजेक्शन T1 दैट अपडेट्स पी लोकेशन टू मुंबई. और फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रांजेक्शन रन की ताकि वो जो प्रोजेक्ट लोकेशन है उसको मुंबई सेट कर दे. इफ पी लोकेशन इज बॉम्बे, इफ नो रेप्लीकेशन आर देयर द ऑपरेशन इन ट्रांजेक्शन T1 विल बी. अब फॉर एग्जाम्पल आपने लाहौर से इस्लामाबाद करना है तो बिगिन T1 ये ब्लॉक स्टार्ट होगा, और जैसे इफ का एंड इफ होता है इसी तरीके से बिगिन का एंड होगा. बिगिन T1 और एंड T1 ये पूरा ब्लॉक है, इसके दरमियान में आपने अपडेट लोकेशन के लिए ये यहाँ पे लैंग्वेज यूज की, अपडेट प्रोजेक्ट यानी अपडेट टेबल प्रोजेक्ट सेट पी लोकेशन, प्रोजेक्ट लोकेशन इज इक्वल टू लाहौर वेयर पी लोकेशन इज इक्वल टू इस्लामाबाद. तो ये सिंपल मीनिंग में आपने जोन साहब वो ये वाला कोड सारी की सारी साइट्स पे रन कर दिया. तो अब जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो लाहौर सेट हो गई है जहां जहां इस्लामाबाद थी, यानी इस्लामाबाद से अब जो आपका प्रोजेक्ट है वो लाहौर मूव हो गया है. तो ये सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल के लिए एक सिंपल सा ब्लॉक आपने देखा. इसी तरीके से इफ द डेटा टेबल हैज टू रेप्लिकास इन साइट ए एंड बी, अगर वो डेटाबेस आपकी दो जगह पे उसकी कॉपीज पड़ी हैं तो उस सूरत में आपको दो ट्रांजेक्शन जो सी वो रन करनी पड़ेंगी, यानी बिगिन T1 और एंड T1 और बिगिन T1A यानी साइट ए, और इसी तरीके से बिगिन T2A साइट ए के ऊपर एक ट्रांजेक्शन हुई T2 और ये T1 हुई, यानी अब आपको दो जगह पे वो उसको रन करना पड़ा. ये आपकी लोकेशन नंबर 1 है, ये आपकी लोकेशन नंबर 2 के लिए आपने जो सा वो रन किया कोड. तो सेम कोड लोकेशन नंबर 1 पे रन होगा, सेम कोड लोकेशन नंबर 2 पे रन होगा. तो अगर इसकी तीन कॉपीज हैं तो आपने इसी कोड की तीन कॉपीज बना देनी है और लोकेशन नंबर 1, 2, 3 के लिए रन कर देना है. अगर 10 साइट्स हैं आपकी तो आपने लोकेशन नंबर 1 के लिए कोड करना है, वही लोकेशन नंबर 2 के लिए, वही लोकेशन नंबर 3 के लिए, वही लोकेशन नंबर 4 एंड सो ऑन लोकेशन नंबर 10 के लिए, यानी सेम कोड है सिर्फ आपको उसको मल्टीपल साइट्स पे रन करना पड़ेगा ताकि वो रेप्लीकेट हो जाए. इसके अगेंस्ट एसिंक्रोनस रेप्लीकेशन कंट्रोल है. इन एसिंक्रोनस रेप्लीकेशन अप्रोच द रेप्लिकास डू नॉट ऑलवेज मेंटेन द सेम वैल्यू. अब इसमें सेम वैल्यू जो है वो मेंटेन नहीं की जाती. वन और मोर रेप्लिकास में स्टोर एन आउटडेटेड वैल्यू एंड ए ट्रांजेक्शन कैन सी द डिफरेंट वैल्यूज. द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द रेप्लिकास टू द करंट वैल्यू इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन. तो अब जो एसिंक्रोनस रेप्लिका है इसमें जो एक साइट है जिसके ऊपर अपडेशन हुई है वहां पे तो अपडेट हो गया डेटा, लेकिन जो बाकी साइट्स हैं वहां पे आउटडेटेड डेटा जो सा वो पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसको सिंक्रोनाइज नहीं करते. ए पॉपुलर मेथड फॉर सिंक्रोनाइजेशन इज स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड. इन दिस मेथड वन साइट इज डेजिग्नेटेड एज द प्राइमरी साइट एंड द अदर साइट्स आर सेकेंडरी साइट्स. द प्राइमरी साइट ऑलवेज कंटेन अपडेटेड वैल्यूज. ऑल द ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंटर द प्राइमरी साइट. दीज ट्रांजेक्शन आर देन क्यूड फॉर एप्लीकेशन इन द सेकेंडरी साइट्स. द सेकेंडरी साइट्स आर अपडेटेड यूजिंग रोल आउट मेथड ओनली व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज शेड्यूल्ड टू एग्जीक्यूट ऑन इट. तो अब जो एसिंक्रोनस मोड क्या है इसको दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें किसी एक साइट के ऊपर आपका अपडेटेड डेटा पड़ा होता है और उस
साइट को हम प्राइमरी साइट बना देते हैं, फिर जो सेकेंडरी साइट्स हैं जिनके ऊपर आउटडेटेड डेटा पड़ा है वो साइट्स इस प्राइमरी साइट से डेटा लेके तो अपना डेटा अपडेट करती रहती हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो प्राइमरी साइट से डेटा ले लेती हैं। ये मोड कहलाएगा एसिंक्रोनस, यानी सिंक्रोनस मोड में साथ साथ डेटा अपडेट होता रहता है और एसिंक्रोनस में अपॉन द रिक्वेस्ट डेटा जो है वो अपडेट होता है। रेप्लिकेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स देखें कौन कौन से हैं। मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन कंट्रोल एल्गोरिथम, डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिथम, मेजॉरिटी कंसेंसस एल्गोरिथम एंड सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिथम। यानी रेप्लिकेशन कंट्रोल जो एल्गोरिथम यूज करता है वो चार हैं, मास्टर स्लेव, डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग, मेजॉरिटी कंसेंसस एंड सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिथम। मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन कंट्रोल एल्गोरिथम कैसे काम करता है, देयर इज वन मास्टर साइट एंड एन स्लेव साइट्स। यानी अगर आपकी टोटल 10 साइट्स हैं तो उनमें से एक साइट मास्टर साइट कहलाएगी और 9 साइट्स स्लेव साइट्स बन जाएंगी, स्लेव मीन गुलाम। ए मास्टर एल्गोरिथम रन्स एट द मास्टर साइट टू डिटेक्ट कन्फ्लिक्ट्स। अब जो मास्टर एल्गोरिथम है वो मास्टर साइट के ऊपर रन होगा ताकि कन्फ्लिक्ट्स को डिटेक्ट करे कि मास्टर साइट का डेटा स्लेव साइट्स के साथ कहां कहां कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ए कॉपी ऑफ स्लेव एल्गोरिथम रन्स एट ईच स्लेव साइट, द ओवरऑल एल्गोरिथम एग्जीक्यूट इन द फॉलोइंग टू फेजेस। यानी मास्टर साइट पे मास्टर एल्गोरिथम और स्लेव साइट पे स्लेव एल्गोरिथम, और ये चेक करेंगे कि डेटा में कहां कहां पे प्रॉब्लम्स है। ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेंस रिजेक्शन फेज ये पहला होगा। इसमें क्या होता है, व्हेन ए ट्रांजेक्शन एंटर्स द ट्रांजेक्शन मॉनिटर ऑफ अ स्लेव साइट, द स्लेव साइट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द मास्टर साइट, द मास्टर साइट चेक्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट, इफ देयर आरंट एनी कॉन्फ्लिक्ट द मास्टर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू द स्लेव साइट which then starts the transaction application phase. Otherwise, the master sends an acknowledgement minus message to the slave which then rejects the transaction. तो ये बड़ा सिंपल सी स्कीम है कि ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन फेज, इसमें क्या होता है कि जो मेन आपकी साइट है जिसके ऊपर डेटा पड़ा है वो जब चलती है तो एक ट्रांजेक्शन जब एंटर होती है ना, स्टार्ट होती है, तो जो स्लेव साइट है वो ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करती है, फिर स्लेव साइट एक मैसेज भेजती है मास्टर साइट को और वो कन्फ्लिक्ट्स को चेक करती है मास्टर साइट। तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो एक्नॉलेजमेंट माइनस का मैसेज आएगा और जो ट्रांजेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट प्लस का मैसेज आएगा और ट्रांजेक्शन जो सी वो सक्सीड हो जाएगी। और इसी तरीके से ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन फेज ये दूसरा होगा। Upon entering this phase, the slave side where transaction has entered broadcast a request to all slave sides for executing the transaction. और अब देखें जब transaction application phase आएगी तो जो slave side है वो एक message broadcast करेगी सारी sides के लिए। On receiving the request, the peer slave executes the transaction and send an acknowledgement to the requesting slave on completion. तो हर site अपने आप को अपना data update करके तो उस स्लेव साइट को मैसेज भेज दीजिए कि डेटा अपडेट हो गया। आफ्टर द रिक्वेस्टिंग स्लेव हैज रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट मैसेज फ्रॉम ऑल इट्स पीयर्स, इट सेंड डन मैसेज टू द मास्टर साइट। और जिस स्लेव साइट को सबसे पहले पता चल गया कि डेटा में प्रॉब्लम है वो सारी स्लेव साइट्स का डेटा अपडेट करवा देगी और उसके बाद मास्टर साइट को मैसेज भेज दीजिए भेजेगी कि सारी स्लेव साइट्स पे डेटा अपडेट करवा दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि आपने अगर किसी एक स्लेव साइट ने डेटा जो सा वो डिटेक्ट कर लिया कि डेटा में प्रॉब्लम है तो उसने बाकी साइट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करवा दिया। ये नहीं कि बाकी स्लेव साइट्स अभी भी आउटडेटेड हैं, बल्कि वो इसी स्लेव साइट ने जिस स्लेव साइट को पहले पता चल गया कि डेटा में डुप्लीकेशन है या प्रॉब्लम है या अपडेट इशू है या कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, उसने सारी स्लेव साइट्स का डेटा जो सा वो अपडेट करवा दिया और बड़ा टाइम बच गया। द मास्टर
understands that the transaction has been completed and removes it from the pending queue. और अब मास्टर को पता चल गया कि ये वाली ट्रांजैक्शन जो किसी एक स्लेव ने एग्जीक्यूट की थी, अब सारी स्लेव्स के ऊपर अपडेटेड डेटा हो गया है. नेक्स्ट टाइम किसी और डेटा की बारी आएगी, नेक्स्ट टाइम किसी और डेटा की. इस तरीके से ये एसिंक्रोनस जो रेप्लिकेशन कंट्रोल एल्गोरिदम है ये काम करता है. फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम है. दिस कंप्राइजेज ऑफ एनपीआर साइट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 साइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल all of whom must okay a transaction before it start executing, following are two phases of this algorithm. और सारी साइड से उनसे वो ओके मैसेज भेजेंगी, फिर ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. तो इसके जो फेजेज हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेंस फेज है और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन फेज है. सेम वही दो फेजेज हैं. पहले फेज में क्या है, when a transaction enters the transaction manager of site, it sends the transaction request to all other sites. On receiving a request, a peer site resolve conflict using priority-based voting rule. If all the peer sites are okay with the transaction, the requesting site starts application phase. ये वाला phase start हो जाएगा. And if any of other peer does not okay a transaction, the requesting site rejects the transaction. तो इस वाली situation में ये होगा कि सारी की सारी sites जब okay message भेजेंगी तो transaction start होगी, otherwise ट्रांजेक्शन जो है वो रुक जाएगी. इसलिए इसको कहा गया वोटिंग एल्गोरिदम, यानी सारी साइट्स वोट करेंगी ओके 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 फिर ट्रांजेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं. अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन फेज है, इसमें क्या होगा, अपॉन एंटरिंग दिस फेज द साइट वेयर द ट्रांजेक्शन हैज एंटर्ड ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट टू ऑल स्लेव साइट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन. ऑन रिसीविंग द रिक्वेस्ट द पीयर स्लेव्स executes the transaction and send an acknowledgement message to the requesting slaves on completion. ये सेम वही पहले वाला के acknowledgement message आएगा. After the request, slaves has received acknowledgement message from all its peers. It lets the transaction manager know that the transaction has been completed. और अब transaction manager को पता चल जाएगा कि सभी जगह से acknowledgement message आ गया, इसका मतलब transaction जो सी वो complete हो गई. फिर आपके पास मेजोरिटी कंसेंसस एल्गोरिदम है. ये थोड़ा वीक एल्गोरिदम है. दिस इज अ वेरिएशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम वेयर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू एग्जीक्यूट व्हेन ए मेजोरिटी ऑफ द पीयर्स ओके अ ट्रांजेक्शन दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस. अब इसके तीन फेजेस है, यहां पे मेजोरिटी की बात जो सी वो सुनी जाएगी. वोटिंग फेज, ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेंस रिजेक्शन फेज और ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन फेज. When a transaction enters the transaction manager of a site, it sends the transaction request to all other sites. Same पहले की तरह. On receiving a request, a peer site test for conflict using voting rule and keep the conflicting transactions, if any, in pending queue. Then it sends either an OK or a not OK message. अब यानी या तो OK message जाएगा या not OK message जाएगा और वो ट्रांजेक्शन्स क्यू में पेंडिंग रहेंगी. ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के स्पेस पे होगी. इफ द रिक्वेस्टिंग साइट रिसीव्स ए मेजॉरिटी ओके ऑन द ट्रांजेक्शन, इट एक्सेप्ट्स द ट्रांजेक्शन एंड ब्रॉडकास्ट एक्सेप्ट. यानी फॉर एग्जांपल अगर 10 साइट्स थी और उनमें से 7 ने ओके का मैसेज भेज दिया तो ये कंसेंसस 12 हो गया कि ट्रांजेक्शन ओके है. अब 3 साइट्स के ओके को उसका वेट नहीं किया जाएगा और ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगी. अदरवाइज इट ब्रॉडकास्ट रिजेक्ट टू ऑल द साइट्स एंड रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन. और अगर सिर्फ 3 की तरफ से ओके आया और 7 ने जो सा वो मैसेज नॉट ओके किया है तो फिर ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगी. तो इसलिए इसको मेजोरिटी कंसेंसस एल्गोरिदम कहा गया. तो जो वोटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग में सभी का ओके आना जरूरी है, लेकिन मेजोरिटी कंसेंसस में 50% से ज्यादा जिनका ओके आ गया तो ट्रांजेक्शन ओके, अगर 50% से कम ओके हुआ एक मिसाल के तौर पर तो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगी. ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन फेज में क्या होगा, व्हेन पीयर साइट रिसीव रिजेक्ट मैसेज इट रिमूव्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम इट्स पेंडिंग लिस्ट एंड रिकंसीडर ऑल डेफर्ड ट्रांजेक्शंस. यानी वो ट्रांजेक्शन जो रोकी गई थी उनको देखा जाएगा कि अब उन पे काम हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये वाली तो रिजेक्ट हो गई. व्हेन पीयर साइट रिसीव्स एंड एक्सेप्ट मैसेज इट अप्लाइज द ट्रांजेक्शन एंड रिजेक्ट्स ऑल द डेफर्ड ट्रांजेक्शन इन द पेंडिंग क्यू which are in conflict with this transaction, it sends an acknowledgement to the
रिक्वेस्टिंग स्लेव ऑन कंप्लीशन। तो इसमें बड़ा आसान है कि या तो मैसेज एक्सेप्ट का आएगा या रिजेक्ट का आएगा, तो और ये बेस करेगा मेजोरिटी कंसेंसस पे। फॉर एग्जांपल अगर 60% जो से वो ओके कह देते हैं तो ट्रांजैक्शन होगी, और अगर 40% कहते हैं नॉट ओके और फिर भी ट्रांजैक्शन होगी, और अगर 60% या 70% नॉट ओके कहते हैं तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और फिर लास्ट हमारे पास है सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिदम। इन दिस अप्रोच द ट्रांजैक्शन इन द सिस्टम आर सीरियलाइज्ड यूजिंग ए कैलकुलेटिंग टोकन एंड एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली अगेंस्ट एवरी replica of the database. Thus, all the transactions are accepted. That is, none is rejected. This has two phases. यानी इसमें अब एक टोकन चल रहा है, वो सभी जगह से एक सीरियल A to B to C to D से E फिर F फिर G, यानी एक सीरियल में वो चल रहा है और वो एग्जीक्यूशन करता जा रहा है, और इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन से वो रिजेक्ट नहीं होती, ऑल आर एक्सेप्टेड। इसके दो नीचे फेजेस हैं, ट्रांजेक्शन सीरियलाइज फेज जिसमें ट्रांजेक्शन की सीरियलाइजेशन होती है, इन दिस फेज ऑल ट्रांजेक्शन आर शेड्यूल्ड रन इन ए सीरियलाइजेशन ऑर्डर। ईच ट्रांजेक्शन इन ईच साइट इज असाइंड अ यूनिक टिकट फ्रॉम ए सिक्वेंशियल सीरीज इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन। के फॉर एग्जाम्पल आपकी पांचवीं बारी है, आपकी छठी बारी है, आपकी सातवीं बारी है, ये हर साइट को ये बता दिया जाता है। वंस ए ट्रांजेक्शन हैज बीन असाइंड अ टिकट इट ब्रॉडकास्ट टू ऑल दी साइट्स, और वो टिकट सब साइट्स को भेज दिया जाता है जी के फ्लां नंबर पे फ्लां साइट जो सी वो प्रोसेस होगी। और फिर इसका ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन फेज में क्या होगा, व्हेन ए साइट रिसीव ए ट्रांजेक्शन अलोंग विद इट्स टिकट। अब फॉर एग्जांपल साइट नंबर 6 को टिकट नंबर 7 मिल गया, तो इट प्लेसेस ए ट्रांजेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू इट्स टिकट। तो अपनी बारी का इंतजार करते हुए वो अपनी प्रोसेसिंग जो सी वो करवाएगी। आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन दिस साइट ब्रॉडकास्ट एन अप्रोप्रिएट मैसेज, अब एक्सेप्ट या रिजेक्ट का मैसेज। ए ट्रांजेक्शन एंड्स व्हेन इट हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन ऑल द साइट्स, और जब सभी साइट्स पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रांजेक्शन एंड हो जाएगी। ये होगा सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिदम। इसके साथ ही आपका ये रेप्लिकेशन का टॉपिक क्लियर हुआ। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।